नमस्कार मित्रों, मैं विकास वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं केवीएस टुडे के इस चैनल पर। ये केवीएस टुडे जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप सबके सामने यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज आती हैं तो आपको कहाँ चेक करना चाहिए, किस तरह चेक करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस वैकेंसी के लिए किस सिलेबस की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें जो पाठ्यक्रम आएगा, जो सिलेबस आएगा वो क्या क्या आएगा। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं, या अपने आसपास में भी जो केवीएस में नौकरी करते हैं ख़ासतौर से उनसे पूछते रहते हैं कि वैकेंसीज कब आएंगी कब आएंगी। तो इसकी एक सटीक खबर लेने के लिए जाहिर सी बात है आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे उचित जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि अनाउंसमेंट में जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ कहाँ आपने जाना है, कहाँ आपने चेक करना है। तो चलते हैं केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। सबसे पहले आप गूगल की ओर जाएंगे, गूगल में जाकर आप केवीएस टाइप करेंगे, और केवीएस टाइप करते ही आपको जो सबसे पहले लिंक आ जाएगा, जाहिर सी बात है वही आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। ये केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी। होम मिलेगा, ये होम का बटन है यहाँ पर, इसके अंदर आप देख सकते हैं सारा। और अगर बात करें इसमें सिटीजन, अगर बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है, एम्प्लॉय यूबीआई ऑनलाइन फीस है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस पर जाना है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाकर ही अपनी जो वैकेंसी से संबंधित जो आपकी सूचना है उसका सटीक और सटीक उचित जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि बात करें ये वैकेंसी पोजीशन, सिलेबस, इंटरव्यू नोटिस, पैनल्स, रीजनल ऑफिसेस, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है ये केंद्रीय विद्यालय के जो स्थायी कर्मचारी है उन्हीं के लिए है। तो यह है जो नए इसमें भर्ती होना चाहते हैं, जो इसके अंदर आना चाहते हैं, जो इसमें वैकेंसी में भरना चाहते हैं, नए जो हैं ये उनके लिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, वैकेंसी पोजीशन में, सिलेबस में, इंटरव्यू नोटिस में। तो ये सारे क्या हैं ये हमारे इसके अंदर पोजीशंस बताएगी। तो वैकेंसी पोजीशन में जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ये सारे नोटिस मिल जाते हैं, और इसी नोटिसेज में आप देखेंगे इसी नोटिसेज में सारे लिंक इसके अंदर पड़े हुए हैं, पुराने से पुराने भी। तो जब कोई नई वैकेंसी आएगी तो इसी में सबसे ऊपर आपको ये नोटिस मिलेगा, क्योंकि जो वो नोटिस नया होगा वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर पहले लिंक की बात हम करें तो पहले लिंक में जैसे ये दिया हुआ है आपका, पहले लिंक में अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटीज, टीजीटीज, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी इन केवीएस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 14। तो इसी तरीके से आपका जो एडवर्टाइज आना होगा वो यहीं पर ही आएगा। तो ठीक है, इसमें चलते हैं। तो इसी में मैंने आपको बताया कि इसी में आपको पता लगेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी वैकेंसी पोजीशन क्या है। तो अभी कोई फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है, वैकेंसी कोई आई नहीं है तो उसका नोटिस भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सिलेबस का भी देखेंगे, तो सिलेबस में हम जाते हैं, तो सिलेबस में क्लिक करिए। सिलेबस में हमने क्लिक किया तो ये हमारा जितना भी सिलेबस है केवीएस का उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर पहले की बात करें, पहला जो इनका लिंक ये है, अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस। अगर इसकी बात करें ये 2018 में अगस्त में आया, 14 अगस्त 2018 में, और इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी प्राइमरी टीचर के लिए, अगर इसको क्लिक करें तो इसमें वो खुल के आ जाएगा कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आखिर है क्या। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस। तो ये इन रेफरेंस टू एनसीटी नोटिफिकेशन, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट
एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर नेम नॉन, जो भी उसका नाम होता है, जैसे कि अगर बात करें दिल्ली में डाइट बोलते हैं और कहीं पे उसको ETE बोलते हैं, तो इस तरीके से नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे चलते हैं जैसे सीनियर सेकेंडरी, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आखिर PRT के लिए सिलेबस, PRT के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आखिर है क्या, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और अगर ग्रेजुएशन की भी बात करें तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना ज़रूरी है उसके लिए। तो आगे चलते हैं, दोबारे चलते हैं। और अगर आप बात करें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे ये मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये रिवाइज स्कीम फॉर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGTs, TGTs, TGTs, लाइब्रेरियन, PRT एंड PRT म्यूज़िक। तो यहाँ पर आपको जितना भी सिलेबस है, वो जो जो सिलेबस आना है PRT से लेकर, PGT से लेकर, प्रिंसिपल से लेकर, वाइस प्रिंसिपल तक का, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेबस एक खुल के आ जाएगा। और ये सब आपका इस तरीके से, पेपर भी कितने नंबर का आना है वो भी आपको दिया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल का पेपर की बात करें तो टेस्ट ड्यूरेशन दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चंस दिए हुए कितने आएंगे, टोटल मार्क्स दिए हुए कितने आएंगे, इस तरीके सब का दिया हुआ है। ये प्रिंसिपल का हो गया। अब सारा तो पढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। वाइस प्रिंसिपल का इस तरीके सिलेबस दिया हुआ है। अगर बात करें वाइस प्रिंसिपल का, ये आपका TGT का आ गया है। ये देखिए TGT का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सभी का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। और मतलब जो क्राइटेरिया है पेपर का, वो कितने नंबर का आएगा, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ TGT ग्रेजुएट टीचर्स फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये लाइब्रेरियन का भी दिया हुआ है। कुछ लोग लाइब्रेरी का भी कोर्स करते हैं तो वो चाहते हैं लाइब्रेरियन बने केंद्रीय विद्यालय में, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है लाइब्रेरियन की। TGT इसको बोला जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में ही ये आती है, लाइब्रेरी की स्किल वही होता है। और ये प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस देखिए यहाँ पर है। अधिकतर प्राइमरी टीचर्स बनने की कोशिश में रहते हैं, तो इनका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। 150 मिनट का आता है ये, और टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, टोटल मार्क्स 150 होते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब आया है इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। सारा पढ़ना मुमकिन नहीं है आपके लिए। इस तरीके से चलते हैं हम आगे, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, आशा है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ये टोटल 11 पेज हैं इसमें। और अगर देखना चाहेंगे आप तो सब्जेक्टिव सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PRT म्यूज़िक, और ये इसके लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सारा कोर्स जो है। और ये काफ़ी आपको विस्तार से इसमें बताया गया है, ये काफ़ी पेजों का है, इसलिए इसमें खुलने में भी समय लग रहा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि PRT का जो ये है, PRT का सिलेबस, PRT में क्या क्या आएगा, वो सब इन्होंने दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे कि उस सिलेबस में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, जैसे इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, हिंदी पाठ्यक्रम में आपको दिया हुआ है, उससे अलग जनरल साइंस में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से जो उप विषय हैं साइंस के अंदर वो आ सकते हैं, जनरल मैथ्स है, इस तरीके से चलकर सारे आपको दिए हुए हैं। PRT म्यूज़िक का भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए PRT म्यूज़िक का जो सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है आप देख लीजिएगा, जो जो इस संबंध में तैयारी कर रहे हैं। और इस जो सिलेबस, ये पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस मिलेगा, चाहे वो TGT का है, चाहे वह PGT का है। ये TGT मिसलेनियस का आ गया है। TGT मिसलेनियस की बात करें तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो होता है ये आता है आपका। इसमें क्या क्या आएगा ये आपने देखना है, TGT वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। आगे चलते हैं, TGT वर्क एक्सपीरियंस के बाद ये TGT फिजिकल साइंस आ गया है। यहाँ पर कुछ लोग फिजिकल साइंस की भी तैयारी करते हैं। ये पूरा सिलेबस फिजिकल साइंस का दिया हुआ, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जो होता है टीचर
उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर TGT आर्ट एजुकेशन, कुछ लोग आर्ट में आना चाहते हैं तो इसमें अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा वो सब आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो आपको सटीक मिलेगा डेटा। अब आ जाते हैं PGTs की ओर। ये PGT का आगे आपका PGTs में क्या क्या आते हैं। PGTs में सबसे पहले इन्होंने PGT बायो का दिया हुआ है, ये PGT बायो का सिलेबस है। इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर, ये PGT बायो के बाद PGT बायोटेक दिया हुआ है, इसका क्या क्या सिलेबस है। बायोलॉजी का PGT केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये PGT कॉमर्स का सिलेबस आपको यहाँ दिया हुआ है, जो लोग कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखकर सही और सटीक अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। ये PGT कंप्यूटर साइंस की भी जो बहुत अच्छी जॉब है, ये जो लोग तैयारियाँ करते हैं PGT कंप्यूटर बनना चाहते हैं उसका सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करें, आगे चलते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार इसके अंदर 60 पेज दिए हुए हैं, 60 पेज जो हैं इन 60 पेजों में सभी कुछ कवर किया गया है कि हर सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस और हर सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए जो जो भी यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत आएगा वो सारा इन्होंने दिया हुआ है। ये PGT इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप PGT इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, जैसे मनी एंड बैंकिंग दिया हुआ है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये सब तैयारियां अगर आप स्टेप बाय करते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी डेटा को आप लेकर अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। PGT आपको इंग्लिश दिया हुआ है, इसकी आप तैयारी करिए। किस तरीके से इसमें दिया हुआ, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये PGT ज्योग्राफी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है। PGT हिस्ट्री ये आपको दिया हुआ है, PGT हिस्ट्री का सिलेबस। और कई बार बच्चे पूछते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या तैयारी करें, कैसे करें, कहाँ से करें, तो आपको बता दिए गए हैं उपविषय। इन उपविषय को आप लेकर अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो अच्छे नंबरों से तो हो ही हो, साथ में आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाए, क्योंकि तैयारी जिसकी अच्छी होती है वही मैदान में जीत पाते हैं, ये मानकर चलिए। ये आपका PGT मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, इस प्रकार ये सारा सिलेबस आपको कवर किया हुआ है, क्या क्या इसमें आ सकता है। इस प्रकार ये हिंदी की बात करें, ये हिंदी विषय हिंदी की बात करें, स्नातकोत्तर शिक्षक चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है PGT हिंदी का। तो ये सब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आपको कहीं और ना जाकर एक सटीक जगह मिल गई है जहाँ से आप अपना ये प्रिंट निकाल लीजिए इसको, और इस पर जो जो आपके विषय दिए हुए हैं अगर उनकी तैयारी होती जा रही है तो उनको टिक करते चलिए और आगे चलते चलिए। और यकीन मानिए अब ये लाइब्रेरियन PGT लाइब्रेरियन जो हमारे यहाँ होता है उसका सिलेबस आपको दिया हुआ है। ये और इस प्रकार पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया है। मुझे लगता है, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आखिर आपको तैयारी कहाँ से करनी है। मैंने आपको दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको KVS की वेबसाइट पर जाना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस पर जाना है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाने के बाद आपको ये सारे पोजीशंस मिलेगी, वैकेंसी पोजीशन, सिलेबस। जब भी कोई वैकेंसी आनी होगी आपको वैकेंसी पोजीशन में जाना है, और जब भी कोई आपको सिलेबस पता करना है तो सिलेबस में जाके पता करना है, सिलेबस में जाइए। ये आपको दो लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करिए, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, आशा है आपको आप कहीं और जाने की धक्केदार खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आशा है जो जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी करें, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी अगर उसमें आप अभी से तैयारी कर चलते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वह निश्चित हो जाता है, और जो तभी तैयारी में लगते हैं तो यकीन मानिए दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने के लिए उत्सुक हैं, आना चाहते हैं। धन्यवाद, आपका
आने वाला समय शुभ रहे। धन्यवाद।